नमस्कार शारदावाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मोंडवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा सप्तमी सामाजिक विषय अध्याय 7 पाठ का नाम है जनजातियां। खाना बदोश बसे हुए समुदाय अध्याय 7 में बताया गया कि जनजातियां जो भारत में आकर बसे हुए थे उनके बारे में बताया गया। ये जनजातियां ऐसे होते हैं जो घुमक्कड़ होती है, उन्हें जनजातियां कहते हैं। सामान्य तौर पर यही माना जाता है। इसमें यह बताया गया है कि जो पहले हमारे समाज में वर्ण होते थे, चार भाग होते थे वर्ण के, उसमें सबसे पहले होता था ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार वर्णों में विभाजित किया गया था समाज को और इन चार वर्णों में सबसे ऊपर माना जाता था ब्राह्मण को। यानी ब्राह्मण के द्वारा जो आदेश दिए जाते थे, जो सुझाव सुझाए जाते थे, उनके माध्यम से उन्हें सभी समुदाय माना करते थे। राजा और ये लोग भी ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सुझावों को मानते थे। इन सुझावों के द्वारा समाज को अलग अलग भागों में बांटा गया था। इन भागों में बांटने के बाद में इसमें ऊंच नीच गरीब और अमीर जाति के जो लोग होते थे उनमें भी भेदभाव पनपने लगा था। इस तरह से समाज में कुछ विभिन्नताएं सामने आई थी। इन विभिन्नताओं को देखते हुए जब आगे बढ़े तो हमने यह भी देखा कि समाज में इन विभिन्नताओं के साथ में क्षत्रिय जो होते थे, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र सबसे नीचे माने जाते थे समाज में और इनका जो होता था वो समाज में सबसे नीचे होते थे और गरीब जाति के भी माने जाते थे। ब्राह्मण जो होते थे वो बहुत ही उच्च होते थे, जो यज्ञ वगैरह होते थे उन कार्यों को ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता था। राजा महाराजाओं के साथ में जो सभा होते थे उन सभाओं में ब्राह्मण लोगों को उच्च स्थान दिया जाता था और उनको उच्च स्थानों पर बिठाया जाता था। इस तरह से उस समय से ही भेदभाव शुरू हो गया था, ऊंच नीच और जाति का भेदभाव शुरू हो गया था समाज को चार भागों में बांटने के बाद में। कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो ना तो समाज में जो ब्राह्मण के द्वारा जो सुझाव दिए जाते थे उन सुझावों को मानते थे और ना ही वे दूसरे सुझावों को मानते थे। वे अपने कुछ नियमों के साथ ही अपना जीवन उपार्जन करते थे। इन जीवन और न दूसरे अपने जो असमानते होते थे उनको भी इन्हें मानते थे। यानी अपने समुदाय के साथ में मिलकर रहते थे। इन समुदायों के साथ में जो मिलकर रहते थे वे जनजाति कहलाई। इस तरह से जनजातियों का उदय हुआ। जो ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए नियमों को नहीं मानते थे और अपने जो नियम होते थे समुदाय के लोगों के साथ में उनको रहकर वो माना करते थे। तो इस तरह से कुछ नए उदय हुए थे और उनके साथ में एक नया वर्ग सामने आया, उसको जनजातियों का नाम दिया गया था, वो थी जनजातियां। ये जनजातियां हमारे एक नई सामने आई। ये अधिकतर घुमक्कड़ होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते थे और अपना निवास स्थान बदलते रहते थे और उनके जो सामूहिक जो झुंड होते थे वो झुंडों में साथ में रहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वहां कृषि करना, उनका जो जीविकोपार्जन का साधन था वो था कृषि। जनजातियों का जीविकोपार्जन का जो साधन था वो था कृषि, पशुपालन, आदि। यानी अन्य जो कार्य थे जैसे वनों उपज यानी वन से जो उपज उनको प्राप्त होती थी वो भी उनके जीविकोपार्जन का साधन थी। जीविकोपार्जन का साधन के साथ में कृषि कार्य भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और वनों से उपज जो प्राप्त होती थी यानी औषधियां, फल फूल इत्यादि, उनसे भी उनका जीविकोपार्जन होता था। ऐसे जो समुदाय थे वो जनजाति कहलाते थे। अधिकतर वनों में ही रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना निवास स्थान बदलते हुए दूसरे जगह जाना और वहां से जो वनोपज होती थी उसको लेना, कृषि कार्य करना यानी जंगलों को जलाकर या उनको साफ करके वहां पर कृषि कार्य किया जाता था। ये घुमक्कड़ लोग होते थे अधिकतर। इस तरह से ये जनजातियां हमारे भारत में नए समुदाय के रूप में उभर कर सामने आई। इसी को हमने इस पार्ट में इसी में बताया गया है कि जो जनजातियां होती थी तो उनका जो
आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ जनजातियां हैं जो दुर्गम स्थानों में रहती है, जंगलों में रहती है, पहाड़ी इलाकों में रहती है, उन्हें जनजातियां कहा जाता है। तो ये जनजातियां आज भी हमारे यहाँ पाई जाती है, जैसे हमारे राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है अधिकतर, क्योंकि वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ वनोपज अधिक होती है, तो वनोपज का वो उपयोग करते हैं और औषधियों के रूप में हमारे सामने कुछ औषधियाँ भी देते हैं। तो इस तरह से आज भी हमारे यहाँ जनजातियाँ पाई जाती है जो अधिकतर जंगलों में, दुर्गम स्थानों में रहते हैं। दुर्गम स्थान का मतलब होता है ऐसे स्थान जहाँ पर आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, दुर्गम में। दुर्गम में यानी ऐसे स्थान जहाँ पर आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता है। तो इस तरह से ये जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन करने के लिए कृषि, पशुपालन, वनोपज आदि कार्य करते थे। इस तरह से भारत में कई जगह पर, अलग अलग जगह पर जनजातियाँ अलग अलग पाई जाती थी। ऐसे ही हम देखते हैं तो पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब में खोखर जो जनजाति थी वो 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब में अधिकतर पाई जाती थी। इसके बाद में जो आगे जनजाति आई थी वो थी गकर जनजाति। ये जनजाति आई थी, इस जनजाति का जो मुखिया था वो था कमाल खान। कमाल खान इस जनजाति का मुखिया था, इसको अकबर ने अपने शासन काल में मनसबदार बनाया था। कमाल खान को अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो इस तरह से जनजातियां जो ऊपर कर सामने आती रही भारत में, आज भी खूब सारी जनजातियां उसमें भी थी। तो पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी में खोखर जनजाति, उसके बाद में गकर जनजाति आई जिसका प्रमुख था, मुखिया था कमाल खान, और कमाल खान को अकबर ने मनसबदार बनाया था। इसके बाद में हम आगे देखते हैं तो और भी जनजातियां हमारे सामने आती है। उस समय उत्तरी पश्चिमी जो ऐसी क्षेत्र था उसमें घटी यानी गडरिया जनजाति सामने आई। इसमें जो ये मुख्य होते थे वो बहुत ही अलग अलग भागों में बंटे होते थे और वो उनके अलग अलग कुलों में विभाजित किया जाता था। इनके कुल अपने अलग अलग कुल होते थे। अधिकतर ये जनजातियां घुमक्कड़ी होती थी और अपना जो जीविकोपार्जन करती थी वो कृषि कार्य, वनोपज, पशुपालक, इनसे जीविकोपार्जन किया जाता था। इनको शिकार का भी इनका बहुत ही रहता था, ये शिकार भी करते थे। और ये जनजातियां अधिकतर घुमक्कड़ थी। इसके साथ ही जो ऐसे क्षेत्र में जो पाई जाती थी, इसके साथ में जो इनमें भी ऐसा होता था कि जो शक्तिशाली जनजाति होती थी वो दूसरे जनजाति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते थे। यानी जो कमजोर जनजाति होती थी उस पर शक्तिशाली जो जनजाति होती थी वो अपना प्रभुत्व स्थापित करती थी। यानी इनमें भी एक टकराव होता था। जब दो जनजातियां आमने सामने हो जाती तो उनमें भी टकराव हो जाता, और जो शक्तिशाली जनजाति होती वो दूसरे जो कमजोर जनजाति होती उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते और वह वहां का मुखिया हो जाता और उसका जो प्रशासन है वो चलता था। यानी वहां का जो मुखिया होता था वो अपना प्रशासन चलाता था और सभी को अपने आदेश अनुसार, नियम अनुसार वहां का जो कार्य होता उसको बांटता था। इस तरह से ये जनजातियां में भी उस समय भी प्रशासन यानी राजा व्यवस्था चलती थी, राजा और प्रजा की व्यवस्था चलती थी। तो इस तरह से ये जनजातियां पाई जाती थी। तो जनजातियां कैसी थी, कौन थी, इसके बारे में ये बार हम देखते हैं। तो ये इसमें अलग अलग जनजातियां थी, खोखर आती है, ककर आती है, घटी गडरिया आती है। तो अन्य और भी जनजातियां थी जैसे संताल थे, आज भी हमारे यहाँ जनजातियां पाई जाती है राजस्थान में और भारत में भी खूब सारी जनजातियां पाई जाती है। तो आज का जो ये हमारा अध्याय 7 है उसमें जनजातियां खानाबदोश में बसे हुए समुदाय, तो इसमें यह बताया गया कि जनजातियां किस तरह से अपना जीविकोपार्जन करती है, जनजातियां कैसे रहती है, इनका जो जीविकोपार्जन है किस तरह से किया जाता है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ में रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, उनका जीवन घुमक्कड़ है,
और एक दूसरे के साथ में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, ये शक्तिशाली होते हैं, वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जनजातियों के बारे में सारांश के रूप में अध्ययन किया। अभी जो हमने पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन किया है, तो उसी में से दो प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, कमाल खान गकर को मनसबदार किसने बनाया था? यानी जो जनजाति का मुखिया था कमाल खान गकर को मनसबदार किसने बनाया, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा, जनजातियों का को पार्जन का साधन क्या था? यानी जो जनजातियां होती थी उनको जीविकोपार्जन का साधन क्या था? तो ये दो प्रश्न मैंने आपको दिए, इन प्रश्नों के उत्तर देवे। धन्यवाद।